Hello, my dear students. Today we are going to learn Connect to Computer Standard 7. Lesson number 1. Computer system in details. Activity zone. Okay? अभी हम करेंगे activity zone lesson number 1 का. On page number 10. Question number 1, write I for input device and O for output device. तो इसमें से हमें देखना है कि input device कौन सा है और output device कौन सा है. Okay, so ये scanner, input device, web camera, input device and light pen, input device, microphone, input device, mouse, input device and joystick. इनपुट डिवाइस. सो अब आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर एंड हेडफोन्स. सो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? ओ. जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पर हमें लिखना है ओ, बिकॉज आउटपुट. सो ये आउटपुट, ये वर्ड स्टार्ट किससे होता है? ओ से, इसीलिए हम लोग लिखेंगे ओ. और इनपुट डिवाइस ये किससे स्टार्ट होता है? आई से, इसीलिए हम लोग क्या लिखें? आई. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फुल फॉर्म ऑफ. यहाँ पर हमें फुल फॉर्म्स लिखने हैं. नंबर 1, ALU. सो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 6 पे. ALU, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा CRT. इसका आंसर मिलेगा हमें पेज नंबर 7 पर. सो ऑन पेज नंबर 7, CRT, कैथोड रे ट्यूब. ओके, उसके बाद है क्वेश्चन LED एंड LCD. सो पहले देखेंगे LED का आंसर. LED का आंसर भी हमें मिलेगा पेज नंबर 7 पर. लाइट एमिटिंग डायोडीज और LCD भी यहीं पर है. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, ये हो गए हमारे फुल फॉर्म्स. नाउ सी नंबर 5, रैम, RAM, रैम. इसका आंसर भी पेज नंबर 7 पर ही है. सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग. अब यहाँ पर हमें क्या करना है? जो नीचे दिया हुआ है उसका नेम बताना है. ओके, एनी 4 पार्ट्स विच यू कैन सी इनसाइड द CPU कैबिनेट. CPU कैबिनेट में हमें कौन से पार्ट्स देखने को मिलते हैं? फ्लॉपी, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड एंड पावर सप्लाई. 4 पूछा था हमने, यहाँ पर 4 बता दिया. ठीक है, आप लोग ऐसे कमा करके भी लिख सकते हो या फिर 1, 2, 3 एंड 4 करके भी लिख सकते हो. एनी 4 इनपुट डिवाइस. अब कोई 4 इनपुट डिवाइस हमें बताना है. कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन. ओके, एनी 4 आउटपुट डिवाइस. अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है आउटपुट डिवाइस. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स. ओके, नर्सी नंबर 4, एनी 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर. मॉनिटर के 2 टाइप्स कौन से होते हैं? LCD मॉनिटर एंड LED मॉनिटर. ओके, नंबर 5, एनी 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर. अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? प्रिंटर के 2 टाइप्स, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर एंड प्लॉटर. ओके, यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, इसमें से जो 2 आपको ईजिली याद हो जाए वो आप लिख सकते हो. ओके, सी हियर क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन, इसका हमें आंसर देना है. हाउ डज कंप्यूटर सॉल्व द प्रॉब्लम. सो इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 3 पर. सी हियर, कंप्यूटर प्रोसेस द प्रॉब्लम इन द 3 स्टेप्स. ओके, उसने पूछा है हमें कि कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है. सो लिखेंगे हम लोग, कंप्यूटर प्रोसेस द प्रॉब्लम्स इन 3 स्टेप्स विथ विच वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर सिस्टम. डिवाइड द कंप्यूटर सिस्टम
इंटू टू कैटेगरीज, देर इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5. टिक राइट द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पर जो आंसर करेक्ट है उसको हमें राइट टिक करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस कौन सा है? स्कैनर, प्रिंटर और स्पीकर्स. सो इनपुट डिवाइस है हमारा स्कैनर. ओके, नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? हम सबको पता है पॉइंटिंग डिवाइस माउस है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. सो इसका आंसर है जॉयस्टिक. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर. सो आंसर आएगा हमारा जॉयस्टिक. नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट. आंसर इज प्रिंटर. सो प्रिंटर को टिक करेंगे. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्चर वीडियो एंड फोटो. वेब कैमरा. ओके, नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प यू लिसन टू म्यूजिक. गाने सुनने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? कौन हेल्पफुल होता है हमारे लिए? हेडफोन. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, हु एम आई. नंबर 1, आई कैन डायरेक्टली ड्रॉ ऑन द स्क्रीन. सो आंसर इज लाइट पेन. सेकेंड, यू कैन टच मी विथ योर फिंगर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस. आंसर इज टच स्क्रीन. नंबर 3, आई प्रिंट आउटपुट ऑन द पेपर. आंसर इज प्रिंटर. क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन यूज मी टू वॉच मूवीज और कार्टून्स. आंसर इज मॉनिटर. नंबर 5, आई प्रोसेस द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. कंप्यूटर सिस्टम. ओके, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.